नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुंबई में मोबाइल सीएनजी पंप, भारत बना कंट्री ऑफ द ईयर, गूगल मैप्स बताएगा टोल शुल्क, मिले सदियों पुराने सोने के सिक्के, 240 मीटर लंबा कांच का पुल। मुंबई में सीएनजी अब घर पर मिलेगा, शुरू हुए हैं मोबाइल सीएनजी पंप। द फ्यूल डिलीवरी की बदौलत अब मुंबई में ग्राहकों के दरवाजे पर सीएनजी वाहनों में ईंधन भरा जा सकता है। द फ्यूल डिलीवरी उस स्टार्टअप का नाम है जिसने मुंबई में सेवा शुरू की है और यह सुनिश्चित करने के लिए महानगर गैस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है कि सीएनजी ग्राहकों के दरवाजे तक पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में कई स्टार्टअप्स ने ईंधन की होम डिलीवरी शुरू की है। फ्यूल डिलीवरी ऐसा ही एक स्टार्टअप है। मुंबई में स्थित इस ब्रांड ने देश भर में अपने ग्राहकों को डीजल पहुंचाना शुरू किया। ब्रांड द्वारा सेवित क्षेत्रों में रियल इस्टेट, रिटेल, आतिथ्य, कृषि आदि शामिल हैं। यूरोप के विवाटेक ने भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है। सुनते हैं ये पूरी खबर। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को इस वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। यह भारत के लिए एक बड़ा सम्मान है। दुनिया में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के कारण यह संभव हुआ है। यह भारतीय स्टार्टअप्स की मान्यता है। दुनिया में कहीं भी वह पैमाना नहीं मिलेगा जो भारत में है, ऐसा केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी विवाटेक में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करते हुए वैष्णव ने कहा कि भारत में प्रौद्योगिकी विकास के लिए अद्वितीय उपयोग के मामलों में निर्माण को सक्षम करने में अरबों स्मार्टफोन और अरबों से अधिक बैंक खातों का संयोजन है। गूगल मैप्स ने यात्रा के दौरान टोल का अनुमान लगाने की सुविधा शुरू की है। देखते हैं ये कैसे होता है। गूगल ने एक नई सुविधा शुरू की है जो अनुमान लगाती है कि किसी निश्चित मार्ग से गुजरते समय टोल में कितना भुगतान करना पड़ता है। गूगल के अनुसार यह फीचर एंड्रॉइड और आईओएस एप्स पर उपलब्ध हैं। गूगल ने सबसे पहले अप्रैल में इस टोल फीचर की घोषणा की थी। मजेदार बात यह है कि मार्गों की गणना करते समय टोल से बचने के लिए एक सुविधा भी इस ऐप में है। इससे पहले गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं को टोल नाके के बारे में सूचित किया जाता था, लेकिन टोल की गणना नहीं कर सकता था। हालांकि नवीनतम अपडेट के साथ यह सुविधा संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और इंडोनेशिया में लगभग 2000 टोल सड़कों पर उपलब्ध है। जल्द ही और अधिक देशों को इसमें जोड़ने की योजना है। डूबे हुए जहाज में मिले सदियों पुराने सोने के सिक्के, लेते हैं ज्यादा जानकारी। कोलंबिया की सेना ने प्रसिद्ध सैनिकी जहाज जोस गैलियन के मलबे की अभूतपूर्व छवियों को साझा किया है, जो 3 सदियों से पानी के भीतर छिपा है और माना जाता है कि इसमें अरबों डॉलर की संपत्ति है। एक बयान में कहा गया है कि दूर से संचलित वाहन का उपयोग करते हुए 4 अवलोकन मिशन को कोलंबिया के कैरिबियन तट से लगभग 950 मीटर की गहराई पर मलबे में भेजा गया था। नौसेना द्वारा किए गए इन मिशनों ने गैलियन को मानवीय हस्तक्षेप से अछूता पाया। मिट्टी से ढकी हुई तोपें, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच की बोतलें और सोने के टुकड़े भी दिखाई दिए। राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने कहा कि मलबे को भविष्य की पुनः प्राप्ति की दृष्टि से बरकरार और संरक्षित रखा जाएगा। हीरे जैसे आकार के कैफे वाला 240 मीटर लंबा कांच का पुल जॉर्जिया में है, आइए देखते हैं। दक्षिण जॉर्जिया में साल्का घाटी पर एक 240 मीटर लंबा कांच का पुल, जिसके बीच एक हीरे के आकार का कैफे है, हाल ही में आगंतुकों के लिए खोला गया। इजरायली कंपनी कास्टलैंड के 40 अरब डॉलर के निवेश के बाद बनाया गया यह पुल 200 मीटर की ऊंचाई पर कैफे के साथ घाटी के 2 सिरों को जोड़ता है। कंपनी के महाप्रबंधक इकाटेरिन टोडिया के अनुसार कैफे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि यह रेस्तरां एक पुल से उच्चतम बिंदु पर निलंबित है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर कहां है? आइए आपको बता दें जाते जाते।
भारत न केवल दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण डाकघरों के लिए जाना जाता है, बल्कि श्रीनगर में डल झील पर इसका अपना तैरता हुआ डाकघर भी है। एक हाउसबोट पर सजे इस डाकघर में एक डाक टिकट संग्रह भी शामिल है। यह एक और असामान्य तथ्य है ना? उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।